अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इब्रान अफरीदी। दोस्तों आपको पता होगा कि चाइना में कोरोना वायरस की वजह से बहुत हलाकतें हुई। दोस्तों कोरोना वायरस कैसे आउटब्रेक हो गया, चाइना से कैसे बाहर ममालिक पूरी दुनिया गया। दोस्तों ली वी लियांग कोरोना वायरस का यानी स्पेशलिस्ट था, ऑप्थोमोलॉजिस्ट था, वुहान के सेंट्रल अस्पताल में ये बड़ा डॉक्टर था। दोस्तों जब उसको पता चला कि 7 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना वायरस से इफेक्ट हो गए हैं, तो उसने अपने ग्रुप के डॉक्टर के साथ शेयर किया कि अस्पताल में 7 ऐसे मरीज हैं जो इससे रिलेटेड है। बाद में इसको खुद भी ये इफेक्ट हो गया कोरोना वायरस से, और कोरोना वायरस की वजह से फिर ये 7 जनवरी को चल बसा। दोस्तों ये कोरोना वायरस ये लंग को इफेक्ट करती है। दोस्तों चाइना के बहुत से लोग, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट किया, पुलिस भेजा और इसको अरेस्ट किया बाद में, क्योंकि उसने अपने ग्रुप को डॉक्टर के साथ शेयर किया था, लेकिन चाइना पुलिस ने इसको मना किया था। दोस्तों बहुत से लोग इसके हक में निकले चाइना में, वुहान शहर में, क्योंकि दोस्तों अगर ये टाइम पे काबू होता तो दुनिया में आउटब्रेक नहीं होता, ये इतने नुकसान नहीं होता। दोस्तों ये सीलिया सेल कहलाता है, लंग्स में उसको अफेक्ट करता है, लंग में सीलिया सेल होता है और ये बिल्कुल कोरोना वायरस इस पर अटैक करता है और इंसान कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से ली वी लियांग भी फोत हो गया था, क्योंकि उसको लंग अफेक्ट हो गए थे। दोस्तों चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि क्योंकि अगर इसको टाइम पे ये अरेस्ट ना करते तो ये काबू भी कर सकते, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि ये बाहर यानी पूरी दुनिया में ये बात फैल जाएगी कि चाइना में ये कोरोना वायरस फैल गया है। बाद में इसी तरह हुआ और ये पूरी दुनिया में आउटब्रेक हो गया। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बड़ी मेरी मेहरबानी।